के लिए वीडियो लेके आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अपडेट्स लेके आया हूँ। आप कैसे आंसर की चेक करेंगे और इसके बाद की को कैसे चैलेंज करेंगे, यानी आंसर की चैलेंज करने का नोटिस आ गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे एडमिट कार्ड्स रिलीज भी हो चुके हैं जो आपको यहां पे दिखाई देंगे। एडमिट कार्ड फॉर एमए मास कम्युनिकेशंस 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स बीयूएमएस प्रीतिव्या एमबीए बीएड बीए बीएससी बीकॉम बीटेक का आ गया है एडमिट कार्ड। अब देखते हैं कि आंसर की कैसे चैलेंज करेंगे। दो तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है और दूसरा होता है सेंट्रलाइज्ड टेस्ट। ये लफड़ा सिर्फ एएमयू में है, जामिया में नहीं है। जामिया में टेस्ट का नाम है तो टेस्ट का नाम है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। एएमयू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, एडमिशंस का, बहुत सारी चीज। इसलिए वीडियो बनाता हूं कि आपकी आसानी हो और आप मेरे वीडियो को देख के आप ट्रेंड हो जाएं। तो आपको मैंने बताया था कि आपको आंसर की देखना है किसका, डिपार्टमेंटल के लिए, तो यहां पे जाके क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा। इस चार्ट में देखेंगे आंसर की फॉर डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसका लिंक अभी क्रिएट नहीं हुआ है, यानी लिंक क्रिएट होगा, टैब बन चुका है और जो लिंक क्रिएट हुआ है वो ब्लू है। जो लिंक क्रिएट हो चुका है वो ब्लू कलर का है, उस पर आपको आंसर की मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज है जो ब्लू नहीं है, ग्रे है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, जितने फैकल्टीज है, डी वोक बी वोक, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, बहुत सारे। तो ये है डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज। अब मैं आपको बताता हूं कि डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्स को छोड़ के कौन सा कोर्सेज है। देखिए, जितने ग्रेजुएशन के बाद जो एडमिशन है, जैसे मास्टर डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, ये सारे डिपार्टमेंटल टेस्टेज हैं। जितने भी कोर्सेज जो ग्रेजुएशन के बाद हैं, मास्टर हैं, वो सारे डिपार्टमेंटल टेस्ट में आते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होते हैं। जैसे कि इलेवंथ की बात करें, नाइन्थ की बात करें, सिक्स क्लास की बात करें और बीटेक की बात करें, ये सारे सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड टेस्ट का आंसर की का नोटिस आ गया है। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे नोटिस आया आंसर की फॉर द एमबीए एग्री बिजनेस सीईटी, इस पे क्लिक करके देखते हैं। उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, बीई है, उसके बाद एमबीए है, एमटीटीएम है, एडमिशन टेस्ट 2020 से 21। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये आंसर की का चार्ट खुल जाएगा। देखिए, ये आंसर की का चार्ट आपका खुल गया। अब इस आंसर कीज में देखेंगे, यहां पे कोर्सेज का नाम है, जैसे एमबीए हो गया, बीएससी हो गया, एमबीए हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, बी इवनिंग हो गया, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। आप 16 नवंबर तक आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का मतलब यह होता है कि आपने जो टिक किया है आपको लगता है वो सही है, और यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की दिया है आपको लगता है गलत है, यानी आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो आंसर किया है वो गलत है, तो आप उसको चैलेंज करते हैं। आप अपना आंसर की को सही मानते हैं और यूनिवर्सिटी को गलत मानते हैं। तो यूनिवर्सिटी का आंसर की को गलत मानते हैं, अगर उसको कंप्लेन करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप कोई डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक इन्होंने यहां पे क्रिएट किया है। जैसे एमबीए के लिए ये लिंक है, बीएससी के लिए है, एमबीए के लिए है, सारे लिंक सेम है, किसी एक लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे एक लिंक पे क्लिक करेंगे 16-11 तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे यूजर नेम आपको देने हैं, यूजर नेम पासवर्ड देने हैं और कैप्चा फिल करके आपको लॉग इन कर लेने हैं। लॉग इन करने के बाद देखिए नीचे आएंगे, तो यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे साइन इन है। साइन इन करने के बाद जैसे 10-3 है तो आपको यहां 7 लिख देना है, ये हो कैप्चा। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आंसर की आपने जो फिल किया वो आ जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जो आंसर की दिए हैं वो आ जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। आपको अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज करने का जो डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूं, 16-11 तक। जैसे आज है 15-11, तो कल शाम तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं ये सारे कोर्सेज का। बाकी और भी कोर्सेज के, जैसे आपका 11th का टेस्ट होगा, और भी बहुत सारे कोर्सेज का जो टेस्ट होंगे, उस टेस्ट का भी ऐसे ही आंसर की चैलेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो मुझे इंतजार है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग, 11th साइंस एंड कॉमर्स, 22 नवंबर को टेस्ट होने वाले हैं, और भी बहुत सारे जैसे एमबीए है, जनरल एमबीए है 22 नवंबर को, ये सारे सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है 22 23 29 1 दिसंबर तक होंगे। इनका भी आंसर की इसी टाइप से आएगा, इसी टाइप से चैलेंज होंगे। आपको मोटा मोटी ये है कि जो आपका लॉगिन्स है उस लॉगिन्स पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का भी आंसर की आएगा, यूनिवर्सिटी का भी आंसर किया जाएगा, और आपने जो आंसर की दिया है वो भी आ जाएगा। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, अपना मार्क्स निकाल सकते हैं, और पिछले साल के कट ऑफ पे आप देख सकते हैं कि 50-60 से ऊपर आपका नंबर आता है तो कुछ बात बनेगी, अगर उससे कम आता है तो बात बहुत मुश्किल से बनेगी। तो ये रहा वीडियो आपके लिए। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर की चाहे डिपार्टमेंटल का हो चाहे सेंट्रलाइज का हो, दोनों का तरीके मैंने बता दिया है। दोनों का लिंक आप
ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डिपार्टमेंटल का दे रखा है, यहाँ पे जो नोटिस आती है ये नोटिस आती है, यहाँ पे नोटिस आएगी जो कोर्सेज का आंसर किया जाएगा और आप लॉग इन करके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे आंसर की को चेक कर सकते हैं, किस किस कोर्सेज का आ चुका है, किसका आना बाकी है, किसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के, देश के हित के लिए बनाता रहूंगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।